मूवी के पहले हमें दिखाया जाता है स्पेसशिप दिखाया जाता है जिनमें से एक एलियन निकालता है और नदी के पास में आके कुछ लिक्विड जैसा कुछ खा लेता है और यह पृथ्वी होता है और वो एलियन नदी पे बह जाता है। उसके बाद हमें बताया जाता है इसकी डीएनए से इंसान बने होते हैं। तभी नेक्स्ट सीन पे हमें दिखाया जाता है पृथ्वी दिखाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन पे हमें दिखाया जाता है कुछ डॉक्टर या साइंटिस्ट वहाँ पे गुफा के तरफ आते हैं, गुफा के अंदर आते हैं और वहाँ पे उन्हें कुछ स्ट्रक्चर जैसा दिखता है और पिक्चर जैसा कुछ भी दिखता है। तो वहाँ पे उन्हें एक इंसान की पिक्चर दिखती है वो जो कुछ ताड़ की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। तभी एक और साइंटिस्ट बोलता है ऐसा स्ट्रक्चर हमें बहुत सी जगह पर मिला है जहाँ पर करीब करीब बहुत साल पहले मिला था, 3 से 35 साल पहले हमें मिला था ऐसा स्ट्रक्चर मिला था जब कुछ प्लेन कुछ भी आविष्कार नहीं हुआ था। तो इतनी दूरी होने के बावजूद भी सेम ऐसे ही पिक्चर सभी जगह पे मिला था जब बहुत दूरी पे हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिला था। तो वो लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन पे स्पेसशिप दिखाया जाता है जिनमें सब लोग होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन पे हमें दिखाया जाता है 3D होलोग्राम दिखाया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डेविड जो है AI रोबोट वो वहाँ पे स्लीपिंग चैम्बर से सबको उठा देता है बोल नहीं सकते सबको स्लीपिंग चैम्बर पे दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद डेविड एक 3D होलोग्राम की वजह से बच्चे की पिक्चर देख रहा होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन पे दिखाया जाता है सब लोग उठ चुके हैं और वो उस प्लेनेट की तरफ आ चुके हैं सब लोग। उसके बाद उनको दिखाया जाता है कि इस प्लेनेट पे कुछ भी नहीं है सिर्फ पत्थर के अलावा, पहाड़ के अलावा। उसके बाद 2 पत्थर के बीच में वो लैंड करते हैं और उन्हें वहाँ पे एक स्ट्रक्चर जैसा कुछ दिखता है। उनमें से सब लोग बहुत हैरान होते हैं और खुश भी होते हैं। तो सब लोग बोलते हैं हमें वहाँ पर उतरना चाहिए। तो उनका स्पेसशिप वहाँ पर लैंड करता है और वो लोग वहाँ पर वो ऐसा स्ट्रक्चर देख के बहुत चौंक जाते हैं। वो स्ट्रक्चर देख के उनमें से एक साइंटिस्ट बोला चाहिए हमें वहाँ पे अभी जाना चाहिए, लेकिन उनका पायलट बोलता हमें अभी नहीं जाना चाहिए, अभी रात होने में 6-6 घंटे बचे हैं। तो उनमें से एक और साइंटिस्ट बोला कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए। उसके बाद सब लोग स्पेस सूट पहन के रेडी हो जाते हैं जाने के लिए, ठीक है गाइस। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सब लोग बहुत जल्दी से रेडी हो रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डेविड जो है वो भी स्पेस सूट पहन रहा होता है। तो उनमें से एक वो मेंबर बोलता है कि तुम स्पेस सूट क्यों पहन रहे हो, तुम तो AI रोबोट हो, तुम्हें स्पेस सूट पहनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो डेविड बोल रहा है कि मुझे भी इंसान की तरफ लगना चाहिए इसलिए मैं स्पेस सूट पहन रहा हूँ। तो डेविड के बाद उसके साथ बहुत कुछ बातें होती है हमें बताया नहीं जाता। उसके बाद नेक्स्ट सीन पे हमें दिखाया जाता है सब लोग वहाँ पे आ चुके हैं स्ट्रक्चर की तरफ और वहाँ पे वो लोग एक ड्रोन छोड़ देते हैं स्कैनर ड्रोन जो इस स्ट्रक्चर की पूरी 3D होलोग्राम बना देगा। तो स्पेसशिप में हमें उसका 3D होलोग्राम बनते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद सब लोग आते हैं और नीचे वहाँ ऊपर से बारिश की बूंद गिरने की आवाज़ आती है और वे हमें से एक ये नोटिस भी करता है। उसके बाद वो अपनी गैजेट से चेक करता है कि यहाँ पे हम रह सकते हैं क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन का टेम्परेचर बिल्कुल अर्थ की तरफ है। उनमें से एक मेंबर हेलमेट खोलने की कोशिश करता है, उसका गर्लफ्रेंड बोलता है मत खोलो तुम, और वो हेलमेट खोल के बहुत चिल्लाता है और बहुत खुश भी होता है। उसके बाद सब लोग एक एक करके हेलमेट खोल देते हैं और देखते हैं उनको कुछ नहीं होता। तो उसके बाद डेविड को कुछ यहाँ पर दीवार पर कुछ चिपचिपा सा मटेरियल मिलता है। उसके बाद डेविड वहाँ पे कुछ उंगली से स्क्रैच करता है और तभी वहाँ पे 3D होलोग्राम चालू हो जाता है जो एलियन का होता है कई साल पुराना। उसके बाद होलोग्राम भाग रहे होते हैं और वो सब भी वो होलोग्राम के पीछे भाग रहे होते हैं। तभी हम दिखाई देते हैं होलोग्राम पे एक एलियन गिर जाता है, ठीक है। उसके बाद गिरने के बाद वो यहाँ पे दरवाजे के अंदर फंस जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो सभी वहाँ पे जाके सचमुच देखते हैं वहाँ पे डेड बॉडी पड़ा हुआ है एलियन का। तो वो होलोग्राम फिर से दिखाई जाता है, ठीक है। तो वो दोबारा से वही सब कुछ होता है।
वो एलियन गिर जाता है और वहाँ पे दरवाजे के जाके फंस जाता है। तो वहाँ पे डेविड जाता है डेड बॉडी के पास, और वहाँ पे दरवाजे पे और नेक्स्ट सीन पे हमें पायलट को दिखाया जाता है। डेविड वहाँ पे दरवाजे पे कुछ उंगली से दबाता है, जो कीवर्ड होता है, पासवर्ड होता है दरवाज़ा का, और दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ पे एलियन का सर दिखाई देता है। उसके बाद एक मूर्ति भी दिखाई देती है, और कुछ आगे जाने के बाद डेविड को एक तस्वीर जैसा कुछ मिलता है, और उसको देख के सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। और उनमें से एक डॉक्टर बोलते हैं, जो लड़की है वो बोलती है कि हमें यहाँ से आने की वजह से यहाँ के टेम्परेचर कुछ बदल रहा होता है। तभी वहाँ पे डेविड को चिपचिपा सा कुछ मटेरियल मिलता है, जो एक बक्से की तरफ उससे निकल रहा होता है। तो डेविड ये देख हैरान हो जाता है और उससे चेक करने लगता है, और उसके बाद कुछ निकलने लगता है डेविड को पता चलता है। और तभी स्पेस शिप में हमें बताया जाता है कि तुम लोग चले आ जाओ, वरना तूफान आ रहा है, हम दरवाज़ा स्पेस शिप का दरवाज़ा बंद कर देंगे। तो सभी लोग निकलने के लिए तैयार होते हैं, और एलियन का हेड जो है उसको बैग में भर जाते हैं, और सब लोग निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और चुप से डेविड वो जो स्ट्रक्चर है उसको अपने बैग में भर लेता है। तो ये हमें बताया नहीं जाता है, तो नेक्स्ट सीन पे हमें बताया जाएगा। तो नेक्स्ट सीन पे हमें दिखाया जाता है सब लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं, और तो पीछे तूफान होता है, तो सब लोग जल्दी से स्पेस शिप में ढुक जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। तभी वहाँ पे तूफान आ जाते हैं और एलियन का सर गिर जाता है, और एक मेंबर चला जाता है, तो उसके ला जाया जाता है स्पेस शिप के, वो अंदर आ जाता है। नेक्स्ट सीन पे हमें दिखाया जाता है दो मेंबर जो अभी भी स्पेस शिप पे नहीं होते, उस स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। तो पायलट बोलते हैं हम अब नहीं जा सकते, अब तूफान आ चुका है, तुम्हें अब एक रात वहाँ पर गुजारना पड़ेगा। तो नेक्स्ट सीन पर हमें देखा जाता है डेविड वहाँ पर जो स्ट्रक्चर लाया होता है, उनमें से तीन कैप्सूल की तरफ से एक कैप्सूल के अंदर से कुछ निकाल के ड्रिंक पे मिला के जो डॉक्टर का बॉयफ्रेंड है उसको खिला देता है। तो उनमें दोनों की बहुत कुछ बातें होती है जो हमें नहीं बताया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद वो लोग बात करते होते हैं, और डेविड जानना चाहता है कि इससे उसका शरीर में क्या असर होगा। तो नेक्स्ट सीन पे हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होते हैं वो एलियन का सर चेक कर रहे होते हैं, और उन उसमें एक इंजेक्शन घुसा देता है, और सर करंट की वजह से ज़िंदा आ जाता है। तो वैसा ओवरलोड की तरफ से वो सर फट जाता है। तो फिर डॉक्टर इसका डीएनए और इंसान का डीएनए मैच हो जाता है, तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं हम इनमें से ही एक हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन पे हमें दिखाया जाता है कैप्टन को, जो बोलता है हमें उन लोगों को लाना चाहिए वो। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन पे जो मेंबर जो है अंदर फंस चुके हैं, उनको एक सांप जैसा कुछ जीव दिखता है जो आ रहा होता है, उनकी तरफ आ रहा होता है। तभी वो सांप जैसा चीज़ उनमें से एक के अंदर मुँह से घुस जाता है और उन दोनों को मार देता है। तभी सब लोग आ जाते हैं वहाँ पर, और डेविड वहाँ पर एक स्कैनर की तरफ आ जाता है, दिखाया जाता है हमें जो ड्रोन होते हैं जो होलोग्राम बनाते हैं, मैप स्ट्रक्चर का होलोग्राम बना रहे होते हैं। तभी डेविड को आगे जाते हैं और वहाँ पे बहुत बढ़िया सा एरिया दिखता है। डेविड को पता चलता है ये हेड यहाँ पे कुछ एक जैसा कुछ दिखता है, और वो वहाँ पे एक होलोग्राम चालू हो जाता है। तो डेविड वहाँ पे हैरान हो जाता है और बहुत खुश भी होता है। तो उसके बाद दिखाया जाता है ये स्पेस शिप का मेन रूम है, यहाँ पे कुछ बहुत सी हाईटेक टेक्नोलॉजी का प्लानट दिखाया जाता है, छोटा छोटा दिखाया जाता है कि एलियन यहाँ पे स्टार्ट कर रहा था, स्पेस स्टार्ट कर रहा होता है। उसके बाद होलोग्राम बंद हो जाता है और डेविड एक कैप्सूल के पास आता है, वहाँ पे देखते हैं एक एलियन अभी भी ज़िंदा है जो सो रहा होता है। तभी नेक्स्ट सीन पे हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर का बॉयफ्रेंड होता है, उसका हालत बहुत ही ख़राब होता है, जो इसकी वजह से डेविड उसको जो ड्रिंक खिलाता है उसकी वजह से उसका सर तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। तो इसलिए अब उसको क्या स्पेस में स्पेसशिप पे लाना पड़ेगा। तभी वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं, और उनमें से एक लड़की बोलते हैं मैं किसी इन्फेक्टेड को अंदर नहीं आने देख सकता, जिसकी वजह से सबकी जान भी जा सकती है। तो वो फायर मशीन गन लेके आगे बढ़ता है, और सब वहाँ पे सब लोग हैरान हो जाते हैं, और उसको इन्फेक्टेड है
जो डॉक्टर का बॉयफ्रेंड होता है उसको जला के मार देता है। तो ये देख के डॉक्टर बहुत ही घबरा जाती है। तभी डेविड को दिखाया जाता है कि डॉक्टर के चेकअप पर रहा था, तो डेविड बोलता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो डॉक्टर शॉक हो जाती है और बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, मैं तो मेरे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, तो मेडिकल की तरफ से मैं कुछ शरीर में कुछ प्रॉब्लम है। तो डेविड बोलते नहीं आप प्रेगनेंट हो 3 मंथ की। तो ये सुन के डॉक्टर बहुत घबरा जाती है और बहुत चिल्लाता भी है, और डेविड को बोलते हैं मुझे बच्चा देखना है। डेविड बोलते हैं ये अभी पॉसिबल नहीं है, आप कैप्सूल में सो जाए, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद उसको इंजेक्शन देकर उसको बेहोश कर देता है। उसके बाद उसका पेट का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है डॉक्टर एक इमरजेंसी चेम्बर पे आ जाता है और वहाँ पे मशीन को कमांड देता है कि मेरा ऑपरेशन कर दो। तभी डॉक्टर यहाँ पे बोल हाई टेक होता है मशीन जो डॉक्टर का ऑपरेशन करने लगता है। तभी वहाँ पे उसके पेट से एक भयानक से जीव निकाल के आता है और डॉक्टर डर के भाग मार के भाग जाता है और वो एक और चैम्बर पे आ जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है एक बूढ़ा इंसान जो ये स्पेस मिशन का जो मालिक है, जिसने इस पैसा लगाया है। हमें बताया जाता है कि वो बहुत साल जीना चाहता है, इसलिए वो इस प्रोजेक्ट पे इतना पैसा सारा पैसा लगाया। और जो उस लड़की को दिखाया जाता है और उसका बेटी होता है। तभी नेक्स्ट पे में दिखाया जाता है कि वो लोग बात कर रहे होते हैं। तभी डेविड बोलता है कि उनमें से अभी भी एक जिंदा है, और डॉक्टर बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। डेविड बोलता है हाँ उनमें से अभी भी एक जिंदा हो सकता है और हम उससे मिलने जा रहे हैं। तो डॉक्टर और सब लोग रेडी हो जाते जाने के लिए। तभी डॉक्टर से मिलने के लिए उसका स्पेसशिप का कैप्टन आता है, बोलता है ये एलियन का घर नहीं है, ये यहाँ पे हथियार बनाते हैं। तो डेविड डॉक्टर बोलते हैं हाँ मेरे को पता है। तो सब लोग वहाँ पे जाने के लिए तैयार होते हैं और जो कैप्टन होता है वो चला जाता है बात करके। उसके बाद वो लोग थोड़ी देर बात करते हैं, दिखाया जाता है बात करते हैं उन लोग। उसके बाद नेक्स्ट सीन पे हमें दिखाया जाता है सब लोग वहाँ पे फिर से स्पेस शिप पर आ चुके हैं। और यहाँ पे वो लोग उस होलोग्राम को दिखाया जाता है जो स्पेस शिप का असली होलोग्राम है, जो सब कुछ बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट सीन पे हमें दिखा जाता है डेविड वहाँ पे आ चुका है जहाँ पे वो एलियन उस कैप्सूल पे सो रहा होता है। तो वहाँ पे डेविड जाके दिखता है कि वहाँ पे वो स्पेस शिप को चालू कर देता है और वहाँ पे वो एलियन को जगा देता है। तो एलियन जागने के बाद ही इस कैप्सूल के निकलने के बाद ही डेविड का सर उखाड़ देता है बाहर निकल के। डेविड बाहर करना चाहता था लेकिन उसका सर निकाल देता है। उसके बाद सबको मारने लगता है और डॉक्टर भाग जाती है। उसके बाद एलियन अपना स्पेसशिप स्टार्ट करने लगता है और पृथ्वी की तरफ जाने लगता है। तभी डॉक्टर बाहर गिर जाती है और कैप्टन को बोलता है जल्दी से तुम स्पेसशिप को रोको कुछ भी करके। तो डॉक्टर बोलते स्पेसशिप के कैप्टन बोलते मैं ऐसा नहीं कर सकता, हमें घर जाना है। तो डॉक्टर बोलते हैं अगर तुमने स्पेसशिप को नहीं रोका तो घर जाने के लिए कुछ बचा नहीं रहेगा, जल्दी से इसको रोको। तो वो लोग उसका स्पेसशिप और के एलियन का स्पेसशिप में आकर उसमें क्रैश करवा देते हैं और स्पेसशिप नीचे गिर जाता है। उसके बाद गिरने के बाद डॉक्टर एक चैम्बर की तरफ जाता है और वहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो ऑपरेशन किया होता है अपना। वहाँ पे जाने के बाद देखता है वहाँ पे कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। उसके बाद थोड़ी देर आगे जाने के बाद देखता है वहाँ पे जो एलियन उसके पेट से निकलते हैं वो बहुत ही बड़ा हो चुका है। और डेविड बोलता है एलियन आ रहा है तुमको मारने के लिए। तो डॉक्टर बहुत ही शौक हो जाते हैं और चारों तरफ दिखने लगता है। तभी उसको एलियन दिखता है और वो दरवाज़ा खोल देता है और दोनों एलियन के बीच में बहुत ही भयानक सी फाइट होती है और वो बड़ा एलियन उसको खाने लगता है छोटे एलियन को। तो वो लोग डॉक्टर पर बहुत रोती है
और डेविड बोलता है अगर आपको मेरी मदद चाहिए, तो डॉक्टर बोलता है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा, तो डॉक्टर डेविड बोलता है अगर आपने मेरी मदद नहीं किया तो हम आप यहाँ से नहीं निकल सकते। तो नेक्स्ट सीन पे हमें दिखाया जाता है डॉक्टर वहाँ पर आ चुका है डेविड के पास। डेविड के पास आने के बाद बोलता है मैं यहाँ से पृथ्वी की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा जहाँ पर मेरा ये हम लोग इन्होंने हमें बनाया है, इनकी घर के जाऊँगा, गेट की तरफ जाऊँगा। तो डेविड बोलता है क्यों हम जब मैं डॉक्टर ने बोला कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं। तो डॉक्टर ने डेविड को साथ लेके स्पेसशिप के यहाँ से निकल जाता है।